नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहे हैं, अतुल एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। अरब्या अतुल से 50% अधिक तेज है। एक ही काम करने के लिए अतुल अरब्या से कितना ज्यादा समय लेगा? तो दोस्तों, मैथ के प्रश्न आप कभी भी सॉल्व करिए तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन अगर जो दोस्तों आप समझ लेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अतुल एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यह चीज तो क्लियर हो गया। फिर आगे वाली लाइन में कह रहा है, अरब्या अतुल से 50% अधिक तेज है। कौन तेज है? अरब्या। तो अरब्या क्या होगा दोस्तों? कम समय में काम को करेगा। जब तेज है तो कम समय में काम करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और फिर आगे कह रहा है, एक ही काम करने के लिए अतुल अरब्या से कितना ज्यादा समय लेगा? तो दोनों का हम क्या निकालेंगे दोस्तों? अब समय निकालेंगे, कौन कितने दिनों में काम कर ले रहा है, कौन कितने दिनों में काम कर लेगा। ये चीज आप निकाल लेंगे और तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसको रेशियो से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, अब बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। दूसरा वाले लाइन में क्या कह रहे हैं दोस्तों? अरब्या अतुल से 50% अधिक तेज है। ठीक है, तो अतुल क्या है दोस्तों? अतुल अगर जो मान ले दोस्तों 100 यूनिट काम कर रहा है, तो अरब्या कितना यूनिट उतना ही समय में काम कर लेगा दोस्तों? जब 50% तेज है तो इसका 100 का 50% क्या होगा? 50, यानी कि 150 यूनिट काम कर लेगा। यह चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इनका रेशियो क्या होगा, 50 यानी 150 और 100 का रेशियो, तो 50 तिहाई 150 होता है, और 50 × 100 होता है, 3:2 का रेशियो होगा। यानी कहने का मतलब है, अतुल एक निश्चित समय में, यानी कि एक मान लीजिए कोई निश्चित समय है उसमें 2 यूनिट काम कर रहा है, उसी निश्चित समय में अरब्या कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे क्या करना है, देखिए आपको क्लियर होना चाहिए ये बात, तो ये भी मालूम होना चाहिए इस बात भी, क्या होता है दोस्तों, काम और समय में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, यानी कि उल्टा संबंध होता है। देखिए ये 3:2 है ना, इसको हम लिखेंगे 2:3, यानी कहने का मतलब ये समय का अनुपात है। देखिएगा, ये काम का अनुपात ऊपर वाला है 3:2, यानी कि कोई काम अतुल इतने एक घंटे में मान लीजिए 2 यूनिट काम कर रहा है, तो अरब्या कितना यूनिट करेगा एक घंटे में? 3 यूनिट, क्योंकि 50% अधिक तेज है। अब क्या होगा दोस्तों, समय का अनुपात, देखिएगा समय का अनुपात क्या होगा? उल्टा होता है, जस्ट उल्टा, यानी 3:2 है तो 2:3, यानी कहने का मतलब है, देखिए काम जो है वो क्या होगा दोस्तों, अरब्या कोई काम 2 घंटे में करेगा। देखिएगा अब यहाँ पे समय 2 घंटे में, तो अतुल कितने देर में करेगा दोस्तों? 3 घंटे में करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अरब्या तेज है और अतुल या उससे कमजोर है। ठीक है, कहने का मतलब है 50% तेज है तो 50% क्या होगा? कम समय लेगा ना। ये चीज आप क्लियर रखिएगा, 50% तेज है तो। अब बस इतना ही करना है आपको रेशियो, उसके बाद तुरंत आंसर आ जाता है। अब देखिए अतुल क्या कह रहा है, अतुल एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो अतुल का रेशियो क्या है? 3, तो 3:2 बराबर दोस्तों क्या है? 18। ठीक है, 3:2 बराबर 18 दिन, तो 1:2 बराबर क्या होगा दोस्तों? 1:2 बराबर होगा 6 दिन, और 2:2 बराबर अरब्या का आएगा, 2:2 बराबर क्या आएगा दोस्तों? 12 दिन। तो अरब्या उस काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों? 12 दिन में करेगा। ये चीज क्लियर रखिएगा, 3:2 बराबर क्या होगा? 18, तो 2:2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 होगा। ये चीज क्लियर रखिएगा। तो यहां पे देखिएगा, अरब्या जो है दोस्तों 12 दिन में उस काम को कर लेगा, अतुल कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। क्यों करेगा? क्योंकि अरब्या अतुल से 50% अधिक तेज है। ठीक है, तो यहां पे अब क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब प्रश्न देखिएगा, जो पूछ रहा है उसका हम आंसर देंगे। प्रश्न कह रहा है, एक ही काम करने के लिए अतुल अरब्या से कितना ज्यादा समय लेगा? अतुल अरब्या से कितना ज्यादा समय ले रहा है? ये 12 दिन में कर रहा है या 18 दिन में कर रहा है? तो 18 12 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो 6 दिन ज्यादा समय लेगा। और 6 दिन किस ऑप्शन में दिया है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जितने भी दोस्तों मैं प्रश्न कराता हूँ रिपीटेड कराता हूँ और जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार पूछे जाते हैं उसी टाइप के प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न क्या है, दूसरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। प्रश्न कह रहे हैं राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति, ठीक है, बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और दो पेंसिलें 165 रुपए में खरीदी। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिलें 169 रुपए में खरीदी। प्रत्येक पेंसिल का दाम था, यानी प्रत्येक पेंसिल का मूल्य क्या होगा ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या किया जाता है, देखिएगा समीकरण टाइप के बनाया जाता है, बहुत ही आसान होता है, ज्यादा कुछ नहीं, जो कहता है वही एक लाइन में लिखेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिएगा समझिएगा क्या करेंगे, अब प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है राम ने बाजार जाके क्या किया दोस्तों, एक गणित की पुस्तक की एक प्रति लिया है और दो पेंसिलें लिया है, क्या लिया है, एक मैथ की बुक लिया है और प्लस दो पेंसिल लिया है, ठीक है, वन मैथ प्लस टू पेंसिल, ठीक है। कितने रुपए में दोस्तों लिया है तो 165 रुपए, ठीक है। फिर आगे वाली लाइन में क्या कर रहा है, रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिलें 169 रुपए में लिया। इसने क्या किया दोस्तों, एक मैथ का बुक, रहीम ने भी बाजार में गया तो एक मैथ की बुक लिया और क्या लिया दोस्तों, उसी प्रकार की 10 पेंसिलें लिया, 10 पेंसिलें यानी 10p लिखते हैं, ठीक है। ये कितने रुपए में लिया दोस्तों, 169 यानी कि 169 रुपए में लिया और पूछ रहा है प्रत्येक पेंसिल का दाम था। तो देखिएगा ये पहला समीकरण है, नीचे वाला दूसरा समीकरण है, मान लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप दूसरे में से पहले को घटाएंगे, ठीक है, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे आप करेंगे इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वन मैथ में से वन मैथ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और 10 पेंसिल में से दो पेंसिल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 पेंसिल, ठीक है, 8 पेंसिल हो जाएगा, 8p यानी कि 8p लिख दिए, ठीक है। 8 पेंसिल का मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों, 169 में से 165 घटाएंगे, क्या आएगा दोस्तों, 4 रुपए आएगा। 8 पेंसिल का मूल्य जब दोस्तों 4 रुपए है तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा दोस्तों, 4/8। आप चाहे तो ऐसे भी बता सकते हैं, 8 पेंसिल का मूल्य 4 रुपए है तो एक पेंसिल का मूल्य 50 पैसे होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, 1 4 = 4 4 2 = 8, 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0.50, ठीक है, यानी कि 50 पैसे या 50 पैसे इसका मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब 50 पैसे देखिए एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ पे पूछ भी रहा है प्रत्येक पेंसिल का दाम था, यही चीज तो पूछ रहा है, तो एक पेंसिल का मूल्य हम क्या निकाले, 50 पैसे। 50 पैसे किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए दोस्तों आप क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, समीकरण को घटा लेंगे, तुरंत आंसर आ गया, ठीक है। 8 पेंसिल का मूल्य क्या आया दोस्तों, 8 पेंसिल का मूल्य आया 4 रुपए, ठीक है, कितना आया था, 4 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 पैसे हो जाएगा, ठीक है, 50 पैसे होगा, ठीक है। और 50 पैसे किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर है दोस्तों क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, SSC की एग्जाम देंगे या अगर आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा और जिसमें दोस्तों साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल है। दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, उस लिंक से आप दोस्तों इस ई बुक को बाई कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये ई बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचम पब्लिशर ने दोस्तों इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी लेकिन मेरे कहने पर ये ई बुक मात्र आपको 25 रुपए मिलेगी। इस ई बुक को दोस्तों आप लेके एक बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं, उसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों इकाई अंक से रिलेटेड
प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न तीसरा कह रहा है 342 × 348 × 316, ठीक है, कह रहा है 342 × 348 × 316 का इकाई अंक क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या दोस्तों आप इतना गुणा करके इकाई अंक निकालेंगे? नहीं, पहले तो दोस्तों समझ लीजिए, कुछ स्टूडेंट नहीं समझ रहे होंगे कि इकाई अंक क्या होता है, तो इकाई अंक समझ लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 342 है, क्या है 342 यानी 342, इसका इकाई अंक कौन होगा दोस्तों, किसे इकाई अंक कहते हैं, जो दाहिने के तरफ से दोस्तों पहला अंक होता है, दाहिने साइड से पहला कौन है, दो, दो इकाई का अंक होता है, उसके बाद वाला दहाई होता है, उसके बाद सैकड़ा होता है, ठीक है, हजार होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। देखिए तो इसमें पूछ कह रहा है आपको, मैं बता कह रहा था इकाई अंक, ठीक है, तो इकाई अंक कौन होता है दोस्तों, 342, 342 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, दाहिने से जो पहला होता है वही इकाई अंक होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी उसका दाहिने से पहला अंक, जो पहला अंक आएगा वो क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है, वो इकाई अंक पे कौन सी संख्या आएगी, ये चीज कह रहा है। तो इसके लिए दोस्तों इतनी बड़ी संख्या को हम गुणा नहीं करेंगे, गुणा करने में काफी टाइम लगेगा, और गुणा करके आप क्या करेंगे दोस्तों, इकाई अंक तो ला सकते हैं लेकिन टाइम ज्यादा बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो कैसे इकाई अंक निकाला जाता है समझिएगा, इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर जो गुणे में संख्या हो तो क्या करेंगे दोस्तों, सबका इकाई अंक आपस में गुणा कर लेंगे। 342 का इकाई अंक क्या है, 2, 348 का 8 और 316 का 6, ठीक है, तो 2 × 8 × 6 गुणा करिए, 2 × 8 = 16 और 16 × 6 = 96, क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 आया, 96 में इकाई अंक क्या आया, 6, देखिएगा यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 6, तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा, 6, और 6 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। देखिएगा इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या करेंगे, सब इकाई अंक को आपस में गुणा करेंगे, कहने का मतलब है 2 × 8 = 16, 16 किए ना तो आप यहाँ पे 6 ही सिर्फ ले सकते हैं, और फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या है, 6, तो 6 × 6 तब भी क्या आएगा दोस्तों, 36 आएगा, तभी इकाई अंक 6 ही आएगा, कहने का मतलब ये है। आप चाहे तो बस क्या करेंगे दोस्तों, जब दो अंक में संख्या हो जाए, 2 × 8 = 16, दो अंकों की होगी ना 16, तो इकाई अंक सिर्फ 6 ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 6 × 6 = 36, ठीक है, 36 हो गया, फिर आगे कुछ रहता तो इसका 6 ले लेते, उससे गुणा करते, ठीक है, ऐसे क्या होता है, प्रश्न आसान हो जाता है। तो इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 × 8 = 16, 16 × 6 = 96, 96 आया, 96 का इकाई अंक क्या है दोस्तों, 6, ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उस ग्रुप में शेयर जरूर किया करिए, और जो दोस्तों इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब करके जुड़ ही जाए, और दोस्तों बगल में बेल आइकन का सिंबल बनता है, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करके जरूर ऑन कर ले, क्योंकि दोस्तों तभी आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी जब बेल आइकन ऑन रहेगा। और डेली दोस्तों मैं वीडियो आपको कब देता हूं, तो शाम 8 बजे यानी कि 8 PM, 8 PM तो आपको याद ही रहेगा, 8 PM पे डेली वीडियो आपको मिलती है, और दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप डेली SSC मेकर चैनल पे मेरी वीडियो दोस्तों ज्यादा देर की नहीं होती है, 15 से 20 मिनट की होती है, ठीक है, तो 15 से 20 मिनट डेली SSC मेकर चैनल पे आप दिया करिए। आप जब कोई भी आगे आगामी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे कि जो पेपर आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से रहेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो हमेशा रिपीट होते हैं, तो ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेली 8 PM पे आप वीडियो को देखा करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको XY मानने की जरूरत नहीं है, ना आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। प्रश्न पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष यानी कि 56 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, उसकी पुत्री की आयु क्या है, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। अब प्रश्न समझिएगा, प्रश्न कह रहा है माता और पुत्री की आयु का योग यानी माता और पुत्री की दोनों को आयु को जोड़ दिया जाए तो 56 वर्ष हो जाएगा, और फिर कह रहा है 4 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है,
यानी 4 वर्ष बाद क्या होगा, 3 गुनी हो जाएगा। तो पूछ रहे उसकी पुत्री की आयु क्या है, यानी उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है गो थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। मान लेंगे दोस्तों उसकी पुत्री की आयु क्या है दोस्तों, 12 वर्ष है, तो माता की आयु क्या होगी दोस्तों, माता की आयु क्या होगी, अगर जो उनके दोनों की आयु का योग 56 है तो पुत्री की आयु 12 है, तो माता की आयु निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 56 में से 12 घटा लेंगे, 56 में से 12 घटाएंगे तो 44 वर्ष, माता की आयु क्या हो जाएगी, 44 वर्ष। अब देखेंगे अगला स्टेप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। देखिए अगला स्टेप कह रहे हैं 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु उसके 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान में 12 वर्ष किसी पुत्री की आयु है, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, 12 × 4 = 16 हो जाएगा। माता की आयु दोस्तों वर्तमान में 44 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 × 4 = 48 साल हो जाएगा। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, आयु से 3 गुनी है। क्या दोस्तों 16 × 3 = 48 है, माता की आयु गुणे 3 है कि नहीं, 3 गुना है, 16 × 3 = 48, 3 गुनी है कह रहा है, तो ये 3 गुनी है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, एक्स मानने की जरूरत है या वाई मानने की जरूरत है, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और किसी ऑप्शन को आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो इस ऑप्शन से नहीं होता तब हम दूसरा ऑप्शन देखते, तीसरा ऑप्शन देखते, चौथा ऑप्शन देखते, पहले दूसरे में ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, अगर जो आपको किसी विशेष चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का भी नाम कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा, एकदम बेसिक से, एकदम अच्छे से। अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों दोस्तों मैथ की जब वहां सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको दोस्तों थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना हुआ यहां पे प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना हुआ यहां पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।